चेक कर, 10,000 रुपए की एक शर्ट है यार। यार ये अमीर लोग इतने महंगे कपड़े पहनते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यार। और ये वाली देख, है ना फिट? अरे मेरे भाई, बहुत जल्द तेरा भाई भी इन्हीं अमीर लोगों में शुमार होगा। वैसे यार बहुत बड़ी लक है तेरी, वरना संभल तो मुझ पे मेहरबान हो सकती थी। भाई हेलो, क्या हो गया? तमीज से रह, होने वाली भाभी है वो तेरी। और वैसे भी सिर्फ संभल ही नहीं, संभल के डैड भी मुझसे काफी इंप्रेस हैं। बहुत बहुत मुबारक हो यार। अच्छा यार, जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना, इस दोस्त को भूल ही मत। मेरे लिए भी कोई अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त कर ली यार। हाँ हाँ, डोंट वरी, थोड़ा ऑफिस में सेट होने दे, उसके बाद फिर तेरी भी कोई जबरदस्त सी सेटिंग करवाऊंगा। अजियो मेरे हीरो। अच्छा यार, कुछ खाने को तो मंगवा, मैं भी तो देखूं कि मेरे दोस्त के कैसे मजे लगे हुए यहाँ पे। क्या खाना खाएगा तू? यहाँ खाना खाने की क्या जरूरत है? गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं बाहर किसी 5-star होटल में जाके खाना खाते। सच्ची बात तो क्या हो सकती है। चल चल जारी कर। अच्छा यार, लेकिन तेरी तो शादी हो रही थी यार। क्या कर रहा है यार, चुप हो जा, मरवाएगा मुझे तू। कोई शादी बातें नहीं हो रही थी मेरी, समझा? इनकार करते थे मैंने, अब चुप हो जा तू, चुप। अच्छा, लेकिन वो तेरी बरादरी से नहीं थी? बरादरी सी थी भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने अब्बा से कहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ संभल से, बस। वैसे ऐसी मोटी असामी के सामने कोई पागल ही है जो। चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा, खुदा के वास्ते चुप हो जा यार, क्यों मरवाएगा तू मुझे? डर क्यों रहे, यहाँ है कौन, फिर दीवारों की भी कौन हो? तुझे यहाँ पे लेके ना बैठने नहीं चाहिए, तू उठ, चल यहाँ से, चल बाहर ही चल। अच्छा यार, ये जरा मैं ये शर्ट पहन लूँ, बहुत अच्छी। कोई जरूरत नहीं, हाथ मत लगाना इस शर्ट को, मुझे सुंबुल ने दी है और बहुत कीमती है।